कभी भी भगवान का कोई भी स्वरूप राधे कृष्ण या माँ पिताजी के नाम पर अपने घर के ऊपर कुछ ना कुछ रखो। कैसी भी नकारात्मक शक्तियों को लेकर के ये नकारात्मक व्यक्ति आपके घर में आएगा, लेकिन उसकी शक्ति वहाँ चल नहीं सकती, वहीं की वहीं भगवान के ऊपर ही दृष्टि पड़ते ही खत्म। अगर कुछ करना भी चाहे आपके लिए अहित, तो वो अहित नहीं कर सकता आपका, वो डायरेक्टली आपके लिए अहित करने आएगा, लेकिन इनडायरेक्टली भगवान आपके लिए हित ही करा देंगे कि उन चीजों में आपके लिए हित छिपा होगा। इसलिए भगवान के स्वरूप का, भगवान का फोटो अवश्य लगा कर रखे। यहां प्रसंग आता है लंका का, तो उसमें प्रसंग आता है हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो विभीषण के घर के दरवाजे पे तुलसी का वृक्ष था, राम जी के बड़े बड़े नाम लिखे थे। ये देखकर के हनुमान जी को आश्चर्य हुआ, मायावियों की नगरी, राक्षसों की नगरी, लगता है किसी ने माया से बना दिया मेरा मन हरने के लिए, किसी को डाउट हो गया कि मैं यहां पर हूं। राम जी, हनुमान जी ने मंदिर देखा, फिर भी हनुमान जी को शक हुआ ये भक्त का नहीं हो सकता। यहां एक हमारे यहां साधु संत कहते हैं कि लंका की नगरी में जो रावण सबसे बड़ा द्रोही है राम जी का, विभीषण का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें राम 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 लिखा है, और एक दिन रावण ने देखा तो महाराज क्रोधित होकर अपने भाई के आया, मेरे शत्रु का नाम लेता है और दरवाजे हर जगह पे तूने मेरे शत्रु का नाम लिखा रखा है। अब विभीषण कैसे बोले कि भगवान का नाम है, वो बड़े होशियार हैं, बचने के लिए कह दिया भैया बात ऐसी राम जी का नाम नहीं है, अब आपका नाम इतना बड़ा है कि वो आ नहीं सकता, मैं अपनी वाणी से ले नहीं सकता, तो मैंने आपका नाम का पहला अक्षर और भावी माँ का पहला अक्षर जोड़ दिया, मंदोदरी नाम था ना रावण की पत्नी का, तो कहा जिससे आप दोनों मेरी दृष्टि के समक्ष रहो। बहुत खुश हुआ, कहा तू पूरी जगह पर लिखवा, और इस बहाने से चोरी छिपे, भक्ति छिप कर करनी चाहिए, प्रेम छिप कर करना चाहिए, तो पूरी जगह लिखवा लिया। अब हनुमान जी ने देखा रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाय, नव तुलसी का वृंद ते देख हरस कपीराय। देखा लेकिन फिर भी मन मऊ तर्क करे कपिलागा, मन में तर्क चल रहे हैं ये नहीं हो सकता, लगता है कोई माया भी है। लेकिन एक भक्त की पहचान क्या होती है, उसकी जिव्या पर भगवान का नाम होना चाहिए। और जैसे ही सुबह उठते ही विभीषण जागा, राम राम तेई सुमिरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीना, हृदय में हर्ष हो गया। अरे ये सज्जनता के लक्षण है कि इसने भाव से नाम लिया, इसका अर्थ है ये विरोधी नहीं है भगवान का, ये मायावी नहीं है, प्रभु मिले। फोटो लागेड़ी हो बहुत अच्छी बात है, महाराज ठाकुर जी खुश होकर आ भी जाएंगे, लेकिन डाउट होगा भगवान को पक्के भक्त या नहीं। तो सुबह सुबह उठ करके हरि नाम जिव्या पर होना चाहिए, प्रभु का नाम होना चाहिए। तो यहां पर कोकिला जी जाते हैं, भगवान ने इतने मोटे चौक की हवेली दी थी नरसिंह जी को, इतने बड़े चौक की हवेली को देख करके बाहर से कोकिला जी देखते, अरे इतनी बड़ी हवेली है, नरसिंह सेठ का मकान मिल गया, अब अंदर जाऊं ठंडो गरम मिल सी, मन में सोचते हैं 10 दिन टांगड़ों पसार सो, खूब थक गयो, लेकिन कोई पता नहीं है महाराज कोकिला जी को अंदर क्या होने वाला है। उनको लग रहा है मेवा मिलेगी, न काजू कतली मिलेगी, न दाल बाटी चूरमा मिलेगा, न कई कई मिलेगा। पर जैसे ही कोकिला जी बामन अंदर की ओर गए, अठिने महाराज अंदर का ही हो रही है, अंदर में 16 सूर्य बैठे हैं 3 दिन से भूखे प्यासे, सबके मन में एक ही बात है भोजन की व्यवस्था हो जाए, मन भी नहीं लग रहा। और याद रखिए जब भूखा पेट हो ना महाराज तो भगवान के भजन में भी मन नहीं लगता। अब नरसिंह जी ने कहा है कि भोजन चाहिए तो भगवान का भजन करो, अब सब कर रहे हैं, गा रहे हैं, राम 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 बोल रे चिड़ी, कब मिले ला खीर पुड़ी, सारे के सारे गा रहे हैं, लेकिन साथ के साथ में मन में चल रहा है भोजन कब मिले ला।
राम 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 बोल रे सुआ, कब्र मिले मन माल पुआ। कब मिलेगा हे भगवान, कब हमारी सुनी जाएगी? और उड़ी समय महाराज कोकलिया जी का आना हुआ, वो खुश होकर आ रहे थे, वाह वाह अब 4 दिन मिलेला, 4 दिन मालपुआ मिलेला। और यहाँ बैठे 16 सूर्य ये सोच रहे थे कोई आए निमंत्रण देने जो मालपुआ खाने जाए। अब दोनों ही महाराज इतने खुश में होते कि जैसे ही कोकलिया जी घुसे दरवाजे में से हंसते हुए, 16 सूर्य बैठे थे, उनको लगा महाराज लागे कोई ब्राह्मण इतना खुश हो आ रही हो है, चढ़ो निमंत्रण आ गयो। और महाराज सब खुश होकर के उठ जाते हैं, राम 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 करते गाते हैं। तब तक महाराज डर जाते हैं कोकलिया जी, क्योंकि नरसिंह जी का कहना था कि कोई हमारे यहाँ आए हमारे पास देने लेने के लिए कुछ दान दक्षिणा तो है नहीं, पर जब कोई आता है तो हंस दिया करो। अब 16 सूर्य एक साथ हंसे तो क्या होगा महाराज, एक साथ कोई हंसे और इतनी तेज हंसे तो बेचारे कोकलिया जी ऐसे थे एकदम दीनहीन हालत, कई दिनों के भूखे थे। और जैसे ही वो हड़ हड़ हंसे, जोशी जी का हाल क्या हुआ, अरे जोशी जी तो जाई पोली माही ने धस्या, और बैठोड़ा सा दूड़ा हड़ हड़ ही हंसया। अरे आगे गए जोशी जी अलूज गई धोत। अब जैसे ही हंसे महाराज कप गए जोशी जी, जैसे ही पैर बढ़ाया धोती उलझ गई महाराज, धोती उलझी, एक पटका लगा यानी एक दड़म धमाके से गिरे नीचे, कहां पे 16 सूर्य के बीचों बीच सब एकदम उठ गए। लगता है कोई पक्को भगत आयो है, कोई तो अपन राम राम कहवे, कोई पगा पड़े, ये तो डंडोती कर रही हो है ये पक्को। नरसिंह जी ने लेके गए, नरसिंह जी थेटे ने भजन कर रहे, उठो थारो पक्को भगत आयो है, लागे कोई निमंत्रण देन आयो है। नरसिंह जी गए, अरे पाछे फिर के नरसिंह बोले क्या ने चाडो भार, अरे थे तो ब्राह्मण हो क्यों भार चढ़ा रही हो, पाप लगा रही हो, उठो उठो उठो। नरसिंह जी की बात सुन के कोकलिया जी कहवे मैं पगा नहीं पड़ रही हूँ, मने उठाओ। अरे कुकु पत्री लायो हूँ छू नगर अंजार, मैं कुकु पत्री लेर आयो हूँ नगर अंजार। सुन के महाराज नरसिंह जी घड़ा राजी हुआ, कुकु पत्री कैन बातरी कुकु पत्री, कही है कुकु पत्री में। बोले नरसिंह जी थाने ठानी है थारी बेटी है नानी भाई। ओ नरसिंह जी ने इतना दिन बाद नानी बाई रो स्मरण हुयो, अरे हाँ हमारी बेटी तो थी, मैं कितना दिन पहले ब्याह करियो, कई हुयो ने। बोले थारी बेटी की बेटी रो ब्याह मंडियो है। तो नरसिंह जी बाज के मगन हो जाते हैं, घर में से मेहता नरसिंह री नारी कहवे थारे घर में पाव जवार रो कोई पाव जवार नहीं, और थे मोटिया मायरो भरन जा रही हो। नरसी कहते बोली रह जा चुपकी रह जा, घर की तू नार, थारे बाप के आंसू मायरो नहीं मंगाओ, मारो ठाकुर जी बरसी मायरो, तू क्यों गरम हो वे। अब महाराज उन समय नरसी नरसीरी लुगाई लड़े, डोकरो देखे महाराज मुंह माते है, ए धड़ी धड़ी लुगाई बाद में लड़ लीजो, मने भूख लग रही, कुछ तो काम करो, थारे घर माते मेहमान आयोड़ा है। हमें महाराज कई बार ऐसा होता है घर में मेहमान आते हैं, और जिनको मेहमानों का महाराज कोई चाव नहीं होता या जिन्हें अच्छे नहीं लगते वो क्या करते हैं, वह लड़ाई झगड़ा कर लेंगे, क्यों, जिससे ये लड़ाई झगड़ा देख करके चले जाएं। एक बार एक गांव में एक भाई साहब का कोई बहुत पुराना मित्र आया, बहुत पुराना। अब उसने फोन किया कि मैं थारे सूरत आ रही हूं, तो भाई 2 दिन रहा इंतजाम कर दो। अब भाई साहब ने मारा डर लागे गर्री लुगाई से तो कहो नहीं महाराज, अब पतो नहीं काई हाल हो वे। तो वो अपनी पत्नी से आगे कहते हैं कि बठे सु मारो मित्र आ रियो है। बोले मैं तो उनके लिए भोजन नहीं बना, वो तो बहुत खावे। बोले बात तो सही है बहुत खावे, पर मनो तो नहीं करूँ क्योंकि अच्छो नहीं लागे। तो पत्नी कहती है काम करती आधा घंटे में। बोले एक काम करो घर के अंदर चलो। कह कई बात है। बोले चलो कमरे के अंदर ले जाती है, देखा अब खिड़की से जैसे ही मेहमान आ रहे। बोले अब ये डंडा लो। बोले काई करूं या डंडा रो। बोले दीवाल में दो, दीवाल में मारो। बोले क्यों। बोले मारो, और जब तुम मारोगे
और मैं रोंगी, मारे रे पीटे रे। वो मेहमान आएगा देख करके, दड़ी दड़ी लुगाई लड़ रही है, मारा चले जाएंगे। पति ने कहा चल बहुत अच्छा है। जैसे देखा दूर से मेहमान आ रहा है, बैग लटका करके मारे, तो फिर इनका ड्रामा चालू हो गया। वो दीवार पे दम दम मारे डंडा से, और वो कहे मारे रे पीटे रे। बेचारा मेहमान भी देखा, वैसे घर में कौन जाएगा महाराज अपनी खुशी दिखाने के लिए कि हम आ गए। जब देखा धड़ी और धड़ी लुगाई ने कि महाराज कोई नहीं है, दोनों बड़े खुश होकर बाहर आए। पति डंडा लेकर के हाथ में कहता है मैंने तो इतो मारियो, थाने तो लगो ही कोनी। इतनी कहवे थे मैंने इतो मारियो, मारे तो लगे ही कोनी, तभी मेहमान थैला ने ले रहे हो, मैं तो गयो ही कोनी।